નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇન્સ્પાયર કોચિંગ ક્લાસીસમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે આજે આપણે તમારા નવમા ધોરણના હિન્દી વિષયની જે પ્રથમ પરીક્ષા લેવાની છે તેનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પેપર તમારું પરીક્ષામાં આવવાનું છે સેમ ટુ સેમ એના જેવું જ હશે એના અને આ પેપરના ટોટલ પચાસ માર્ક્સ છે અને તેનો સમય બે કલાકનો હશે વિભાગ અ તેમાં ગધ્ય વિભાગ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર એક નિમ્નલિખિત રિક્ષક સ્થાનો પૂર્તિ કીજીએ તેમાં પહેલું છે સૂર્યનારાયણ પઢને મેં ખાલી જગ્યા હે તેનો જવાબ આવશે કમજોર બીજો ડ્રાઈવર કો મારપીટ છે ખાલી જગ્યાને બચાયા તેનો જવાબ આવશે લેખકને પ્રશ્ન નંબર બે નિમ્નલિખિત સહી વિકલ્પ ચુનકર વિધાન પૂર્ણ કીજે તેમાં ત્રીજો સવાલ છે પ્રિયોદા મનમોહન કો ઘર પહોંચાને ગઈ કે તેનો જવાબ આવશે રસ્તેમી ઉસે ડર લગતા થા પછી ચોથો સવાલ બુરાઈ મેં રસ લેના ખાલી જગ્યા બાથ હે તેનો જવાબ આવશે બુરી प्रश्न नंबर त्रोन निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिख आठ चार सौ चार सौ चार सौ जी हाँ याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन वो भी आपके व्हाट्सअप पर अपने फोन पे डाउनलोड का आठ चार सौ चार सौ चार सौ नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए और जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है उसे क्रॉप करना है और पांच सेकेंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा

जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। सवाल है लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा तेनो जवाब से गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है दिन में सैलानियों के कारण वहां बहुत चहल पहल रहती है इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा प्रश्न नंबर आठ पुल के पास गाड़ी क्या कर रहा था तेनो जवाब से प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तनमय होकर एक लोकगीत गा रहा था प्रश्न नंबर पांच निम्नलिखित प्रश्नों के पांच छह वाक्य में उत्तर दीजिए नवमो सवाल छे रानी लक्ष्मीबाई निराश क्यों हो गई तेनों जवाब से रानी लक्ष्मीबाई के स्वराज पाने के प्रयत्न विफल हो रहे थे झांसी उनके हाथ से निकल गई थी उनके पास शक्ति थी फिर भी वे दुर्बल थी तात्या जैसे कुशल सेनापति को के होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं था रानी के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे वे युद्ध में साहस और शौर्य दिखाने के बदले ब्रह्मभोज के आयोजन में पड़े थे ग्वालियर जैसा किला हाथ में होकर भी वे कुछ नहीं कर पा रहे थे शत्रु को अपना शिकार बनाने के बदले वे अविश्वासों में शिकार बन रही थी अपने पक्ष की ऐसी स्थिति देखकर रानी लक्ष्मीबाई निराश हो गई नौवा सवाल बच बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार स्पष्ट कीजिए तेनों जमावशे पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बचपन बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय संघर्षमय रहा आय के ठास साधनों से वे वंचित थे वे स्कूल में पढ़ाते थे ट्यूशन करते थे अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई महंगी दवाइयां खरीदना मुश्किल हो गया पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हुई इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है विभाग बी पद्य विभाग प्रश्न नंबर छह निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तेमा दस मुझे आर्यो की संतान की आज खाली जगह हो गई है तेनो जवाब से औद्योगिक

जब आर्य विद्या और कला कला कौशल में सबसे आगे थे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी औद्योगिक अधोगति है प्रगति की दौड़ में वह बुरी तरह से पिछड़ गए फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे भूले नहीं तोनाथोवाम बीजो सवाल छे कवि कैसे मंगल्य की आराधना करते हैं તેનો જવાબ છે मांगल्य अर्थात सबका कल्याण कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात इस तरह सबके कल्याण कामना करते हुए प्रश्न नंबर अग्न निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए सिर पर चढ़ना तो के अधिक होना वाक्य में प्रयोग <coughs> सिर पर इतना कर्ज चढ़ गया है कि रात में नींद नहीं आती प्रश्न नंबर बार निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए तेनो जवाब है मार के पीछे भूत भागे किसी भी समस्या का हल करना तो तेनो जवाब है जब जब समस्या हद से ज्यादा बढ़ जाती है तब सरल उपाय के बजाय कठिन या शिक्षात्मक रवैया अपनाए अपनाना इसे कहते हैं मार के पीछे भूत भागे પ્રશ્ન નંબર તેર નિમ્નલિખિત વાક્ય કો શુદ્ધ કીજે વુમાન સ્ત્રી હૈ તેનો જવાબ છે વ બુદ્ધિમતી સ્ત્રી હૈ પ્રશ્ન નંબર ચૌદ શબ્દ લિખિત વિરોધી શબ્દ લીખીએ દુર્લભ તો તેનો જવાબ આવશે પ્રશ્ન નંબર પંદર નિમ્નલિખિત શબ્દ કા પર્યાયવાચી શબ્દ લીખીએ સુગમ તો કે સરળ પ્રશ્ન નંબર સોળ નિમ્નલિખિત શબ્દ સમૂહ કે લીધે એક શબ્દ દીજે આદર્શ આચરણ કરનેવાલા તેનો જવાબ આવશે આચાર્ય પ્રશ્ન નંબર સત્તર अपसर्ग बताइए अनुपम तो ते, जवाब से अन वत्ता उपम प्रश्न नंबर अठार निम्नलिखित वक्यों में से भाववाचक संज्ञा बताइए तम आ पच्चीस मो सवाल आज देश की दशा अच्छी नहीं है तो तेनो जवाब आ भाववाचक संज्ञा है दशा प्रश्न नंबर ओगनीस निम्नलिखित वक्यों में से कर्तुवाचक संज्ञा बताइए छवीस मो सवाल न्यायमंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक को सेवक थे तेनो जवाब से सेवक प्रश्न नंबर वीस નિમ્ન લેખિત વાક્યો મેં વિશેષણ બતાયે તેનો જવાબ છે તુહારી વિધવા તો ફક્ર આપેલો છે તેના પ્રશ્નો આપણને આપેલા છે અઠ્યાવીસ સવાલ છે પિંજરે મે જંગલી જાનવર સુખી ક્યો નહી હોવાબ આવશે જંગલી જાનવર આપણે દેશ કો જન્મભૂમિ કો બહુ પ્રેમ કરતા जब वह अपनी जन्मभूमि जंगल से दूर हो और पिंजरे में बंद हो तो सुखी नहीं हो सकता ओगनतीसव सवाल इस गद्य खंड से हमें क्या सीख मिलती है तो तेनो जवाब से इस गद्य खंड से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी जन्मभूमि के प्रति हमारे दिल में सच्चा प्रेम होना चाहिए आजादी में ही जीवन का सच्चा आनंद है त्रीसमो इस खंड को उचित शीर्षक दीजिए तेनो जवाब से उचित शीर्षक जन्मभूमि के प्रति प्रेम प्रश्न नंबर बाविस निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर इसे शीर्षक दीजिए तो इस कमजोरी से लाभ उठाने का निश्चय किया उसने उस पर हमला कर दिया घमासन लड़ाई के बाद पहला राजा हार गया उसे अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ा पराजित राजा शत्रु के भय से जंगल में भाग गया वही एक पहाड़ी की गुफा में उसने शरण ली एक दिन वह गुफा में चिंतित होकर बैठा इसी समय उसकी दीवार पर चढ़ती हुई एक मकड़ी पर चट्ती पर चट्ती। मकड़ी पर पर चढ़ी पड़ी वह गुफा की छत पहुंचना चाहती थी लेकिन कुछ ऊपर चढ़कर फिर नीचे गिर पड़ती थी मकड़ी ने कई बार प्रयत्न किया पर उसे सफलता नहीं मिली प्रत्येक बार वह नीचे गिर पड़ती थी इतने पर भी मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी अंत में उसने पूरी हिम्मत लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया और वह छत पर चढ़ गए। मकड़ी की इस हिम्मत और सफलता में राजा को चकित कर दिया उसे एक नई दृष्टि मिल गई उसकी रगों में भी सांस का संचार हुआ उसकी निराशा और चिंता हो गई वह फिर अपने राज्य में लौटा और गुप्त रूप से सैन्य जमा करने लगा फिर उसने पूरी शक्ति से शत्रु पर राजा पर चढ़ाई कर दी उसने आत्मविश्वास से युद्ध को जीता और वह जीत गया शत्रु राजा मारा गया और उसकी बची हुई सेना दुम दबाकर भाग गए इस प्रकार राजा को अपना राज्य तो मिला शत्रु का भी राज्य मिल गया केमरा का पूरा सीख सचमुच छोटे छोटे जीवों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं निष्फलता मिलने पर भी प्रयत्न जारी रखने से अंत में सफलता जरूर मिलती है तेनाथों हम अपने पास बीजों से निम्नलिखित निम्न पत्र लेखन कीजिए तो जो है जवाब एक सौ उषा किरण तिथल रोड वलसाड़ 13 सितंबर 2018 पूज्य चाचा जी सादर प्रणाम कल मेरा जन्मदिन था और कल सवेरे ही आपका भेजा हुआ प्रेम भरा पत्र और कैमरा मिला अपने जन्मदिन के अवसर पर ऐसा बढ़िया उपहार पाकर भला किसे खुशी न होगी आपने सचमुच मेरी मनपसंद चीज भेजी है इसके लिए मैं आपका जितना आभार मान उतना कम है आपका भेजा हुआ कैमरा कोई मामूली कैमरा नहीं है मैंने इस कैमरे के में बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है यह देखने में भी जितना आकर्षक है उतना ही अच्छा इसका काम भी है कल मेरे जन्मदिन के अवसर पर सभी तस्वीरें इससे खींची गई मेरे मित्रों ने इन तस्वीरों को बहुत प्रशंसा की है फोटो खींचने का मुझे बहुत शौक था पर मेरे पास अच्छा कैमरा न होने से मन मसोसकर रह, 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 रह जाता था अब आपने मेरा यह शौक पूरा कर दिया है अब मैं मन चाहे दृश्य और विशेष अवसरों पर चित्र इस कैमरे में से ले सकता हूं आपके इस इसने के लिए मैं आपका फिर से आभार मानता हूँ चाचा जी को मेरा प्रणाम नन्हे को ढेर सारा प्यार आपका प्यारा संदीप पाठक प्रश्न नंबर चौबीस निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सौ शब्दों में निबंध लिखिए। वृक्षारोपण तो प्राचीन काल से ही वृक्ष मनुष्य के मित्र रहे वृक्ष मनुष्य को उनके अनेक लाभ होते हैं वृक्षों की अधिकता लोगों के सुख सौभाग्य और समृद्धि की निशानी मानी जाती है इसलिए वृक्षारोपण की बहुत महिमा बताई गई है हमारे देश में पिछले कई वर्षों से वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होती रही है इसके कारण आज बड़े बड़े जंगल साफ हो गए हैं और वृक्षों की सघनता में बहुत कमी आ गई है वृक्षों के अभाव से वर्षा की मात्रा कम हो गई है जब अब ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने की कोशिश की जा रही है नए वृक्ष लगाकर उसकी देखरेख करना किसी बच्चे को गोद लेकर उसका पालन पोषण करने के बराबर है वृक्षारोपण को एक पुण्य कार्य माना गया है वृक्षारोपण से से अनेक लाभ होते वृक्षों के के बढ़ने और फलने फूलने फूलने निर्जन स्थान भी हरे भरे और सुंदर बन जाते हैं वृक्षों की हरियाली मन को प्रसन्नता से भर देती है वृक्षों की शीतल छाया गर्मी की दोपहर में सुख शांति प्रदान करती है वृक्ष के पत्ते फूल फल सब हमारे काम आते हैं वृक्षों से हमें कागज दिया सलाई गोद लाख तरह तरह की दवाइयों तथा तेलों की प्राप्ति होती है भौगोलिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी वृक्षारोपण का विशेष महत्व है वृक्षों से वायुमंडल शीतल व शुद्ध बनता है वृक्षों के आकर्षक ही बादल खींचे चले आते हैं जिससे बरसात होती है खेत के चारों ओर पेड़ लगाने से खेत की मिट्टी का रक्षा होती है नदी के किनारे लगाए गए पेड़ उसके किनारों के कटाव रोक को रोकते हैं सड़कों के किनारे पेड़ लगाने से सड़कों की शोभा बढ़ती है और राहगीरों को सुखद छाया मिलती है वृक्षारोपण हमारा परम कर्तव्य है वृक्ष लगाकर हम अपनी और समाज की सेवा करते हैं वृक्षारोपण द्वारा प्राणी जीवन को स्वस्थ सुंदर सुखमय बनाया जा सकता है वृक्ष हमारे जीवन की प्रथम आवश्यकता है वे हमारे जीवन के मूलाधार हैं इसलिए प्रतिवर्ष वृक्षारोपण को हमें एक महोत्सव के रूप में मनाकर प्रकृति का आशीर्वाद मानना चाहिए વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડિયો જોવા બદલ આપ ખુબ ખૂબ ખૂબ આભાર